हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी वेब श्रोता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास का हिंदी कोर आरोह काव्य भाग का चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह लेकर आया हूँ, जिसे मैं आप लोगों को सरल माध्यम से दिए गए प्रसंग को की व्याख्या करूंगा। इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को काव्य की व्याख्या बहुत ही सरल माध्यम से करने वाला हूं, जो आप लोगों को टर्म वन की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये देखिए आपका कैमरे में बंद अपाहिज 12th क्लास आरोह का हिंदी है। सबसे पहले हम लोग परिचय जानते हैं। चलिए यहाँ देखिए परिचय लिखा हुआ है। परिचय में बताया गया है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात कमरे में बंद अपाहिज में इसमें अपाहिज और दूरदर्शन कर्मियों के बारे में व्याख्या किया गया है कि किस तरह से दूरदर्शन कर्मी अर्थात टेलीविज़न लोग किस तरह से अपाहिज का मजाक उड़ाते हैं, उनका हीन भावनाओं को देखते हैं अर्थात संवेदनशीलता करते हैं और उन्हें लज्जित करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसमें बताया गया है, मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षित और टिकाऊ बनाने के लिए मीडिया किसी भी हद तक जा सकते हैं। अर्थात मीडिया अपने समाचार या अपने न्यूज को अच्छा करने के चक्कर में आकर्षित और बिकाऊ बनाने के लिए बहुत से गलत शर्त का भी उपयोग करते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। इसमें बताया गया है, अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बहुत क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति के दर्द से दर्शक रो पड़े, अर्थात वो ऐसा चाहते हैं ताकि उसे देखकर लोग रो पड़े। इस तरह से वे अपने दूरदर्शन पर दिखाना चाहते हैं, इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है, अर्थात वे कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं। कवि ने मीडिया के इस व्यावसायिक क्रूरता पर कटाक्ष किया है, अर्थात इस मीडिया की हरकतों को देखकर कवि ने इस पर कटाक्ष किया है कि वे अपने दूरदर्शन अर्थात अपने समाचार को रोचक बनाने के चलते कितनी भी अपाहिजों अर्थात कोई भी पीड़ित लोगों को बहुत से क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछते हैं, इस सब के बारे में उन्होंने बताया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग संदर्भ देखते हैं। संदर्भ आपका है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद से लिया गया है। उनके काव्य संग्रह मूल्य भूल गए में यह कविता मूल रूप से संकलित है, अर्थात तो लोग भूल गए हैं उसी से इस कविता को लिया गया है। इसका प्रसंग है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा या देता है, कैमरे में दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएंगे। ये सब आपका यहाँ पर देखिए पंक्ति दिया हुआ है, इसका हमको व्याख्या करना है। इस पंक्ति का व्याख्या होगा, रघुवीर सहाय एक कवि होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे। इस कविता के अंतर्गत उन्होंने पत्रकारिता की भी दुनिया में आने वाले व्यवसायिकीकरण और उनके फलस्वरूप
उत्पन्न नैतिकता के ह्रास को चित्रित किया है। दूरदर्शन के संचालक खुद को शक्तिमान मानते हैं। संचालक चाहते हैं हम स्टूडियो के बंद कैमरे में एक कमजोर प्राणियों को बुलाएंगे और हम एक लूले लंगड़े अपाहिज को कमरे के सामने लाकर उनसे प्रश्न पूछेंगे। तो हाँ बताइए, बताएंगे कि आप अपाहिज है, वह इसका उत्तर दे। इससे पहले ही हम उससे प्रश्न पूछेंगे, आप क्यों अपाहिज है? यह प्रश्न तुक्का होगा, इसीलिए अपाहिज इस पर शांत रहेगा तब उसके दुखों को कुदेरा जाएगा। उससे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा, इस पर भी वह शांत रहेगा। तो उससे फिर पूछा जाएगा, क्या अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है? इस प्रश्न के साथ अपाहिज कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरों को और बड़ा करके दिखाया जाएगा। नज़र उसके चेहरे पर होगी, तब उसे फिर उत्तेजित करके पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी कीजिए। समय बीतता जा रहा है, संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुखों के बारे में नहीं बताएगा। इस तरह से पूछकर उसको बेजित टाइप के किया जाएगा, अर्थात क्वेश्चन पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद अगला प्रसंग है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देते। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर आपको रुलाएंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, इसका व्याख्या क्या हो जाएगा? इसका व्याख्या हो गया, कभी दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का चित्रण करते हुए कहता है कि वह उस अपाहिज व्यक्ति से बार बार जोर देकर अमानवीय तरीके से सिर्फ अपने कार्यक्रम को प्रसिद्ध और सफलता के लिए प्रश्न पूछता है। अपाहिज जी आप सोच कर बताइए कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है? अर्थात वे बार बार अपाहिज से क्वेश्चन पूछते हैं और अपाहिज से क्वेश्चन पूछ कर उसे दुख करते हैं। इसके बाद बताया गया है, अपाहिज जी आप सोच कर बताइए कि आपको अपाहिज होने का दुख कितना दुख है? आप अपने दिमागों पर जो डालिए और हमें बताइए आप अपाहिज है, यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है? सोचिए और यह दर्शकों को बताइए कि अपाहिज भी अपने दुख के बारे में शांत रहता है। तो कार्यक्रम संचालक खुद बेहुदे से इशारे करता है, पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है? सोचिए बताइए, जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा बताइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? यह बढ़िया मौका खो देते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। कार्यक्रम संचालक कहता है, हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इसके लिए जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोल कर बताए। इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि उसे पूछकर रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं भी होगा तो हमारी कोशिशों से भी रो देगा। दर्शक भी उस क्षण का इंतजार करते हैं जबकि अपाहिज अपना दर्द
बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतजार नहीं करते? जरूर करते। इसके बाद अगला प्रसंग है, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंखों की एक तस्वीर, बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके ओठों पर एक कसम साहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानोगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए। दे दे, हेलो। इस तरह से काव्य को व्याख्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काव्य का व्याख्या, यहाँ कवि दूरदर्शन पर अपाहिज व्यक्ति के बड़े बड़े चित्र और प्रतिभाएं दिखाते हुए मीडिया कर्मियों को संवेदनाशीलता को दर्शाया है। कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्न उत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिजों को सूजी आंखें दिखाता है। इस प्रकार उसके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वे अपाहिज के ओठों पर एक बेवसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाई देता है। वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उसे बेवसी और छटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मांगेंगे। कार्यक्रम संचालक यह कोशिश करते हैं कि वे पाई जो के दर्द को इस तरह दिखाए कि न अपाहिज रोएगा अपाहिज रो पड़े, बल्कि उसके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। इसके बाद अगला प्रसंग है, आप और वह दोनों कैमरे बंद करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराइएगा, हम आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से मुक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। इसके बाद इसका प्रसंग का व्याख्या है, परंतु होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता, तब तक वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो न उस सही पर्दे पर एक क्षण कीमती होती है, उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना है। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराए, वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा, इसका उद्देश्य था अपाहिजों को दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाएंगे। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद करता है। इस तरह से इसको में बताया गया है। अब इसका देखते हैं क्या विशेष्य है, उसके बारे में देखते हैं। इस कविता का विशेष्य है, इस कविता की शैली नाटकीय है, अर्थात नाटक द्वारा है, क्योंकि इसमें एक अपाहिज और दूसरा दूरदर्शन के संचालक, ये दोनों आपस में पूछताछ का कार्यक्रम चलता है, जिस तरह से यह नाटकीय पता चलता है। इसमें मीडिया कर्मियों की हृदयहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है, अर्थात हृदयहीन, इसमें हृदयहीन है, अर्थात उसमें हृदय में दया प्रेम का भाव नहीं था, वे उनसे अपाहिज से बार बार क्वेश्चन पूछकर उन्हें दुखी करते थे। इसके बाद अगला पॉइंट है, भाषा अत्यंत सरल और स्पष्ट है। इसमें भाषा को अत्यंत सरल और स्पष्ट रखा गया है। जबकि चौथा पॉइंट है, कवि के वितरण को ढंग रोचक तथा नाटकीय बनाया गया है, नाटकीय है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, शैली व्यंग प्रधान है। इस तरह से इस कविता में बताया गया है। इस तरह से आप इस कविता को अच्छी तरह से देख ले, और हाँ, इसी तरह से नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मैं इसका MCU क्वेश्चन, जो आपको टर्म वन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी लेकर आया हूँ। इसके लिए
धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।